में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। बीमार वृद्ध मरीज से जमीन पर बैठकर बातचीत की, साथ ही पर्चे पर बाहर की दवाई लिखे जाने पर भड़के डीएम। मबीना नगर में ईद मिलाद उन नबी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश पर कसवे में अनेक प्रकार के सजावट की गई। साथ ही इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम बंधु लोग रहे मौजूद। बबीना में जैन समुदाय द्वारा निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, इस अवसर पर सिंगई महेंद्र जैन, ज्ञानेन्द्र जैन, महेंद्र जैन ठकरई, प्रकाश चंद जैन, अभय जैन सहित सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग रहे मौजूद। मऊरानीपुर से झांसी की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन ट्रेन पर बैठा हुआ एक यात्री अचानक नीचे गिरा, जिसके चलते वह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। जालौन के नदी गांव पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 25,000 की इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भेज दिया है जेल। जालौन के उरई में स्थित विकास भवन के रानी लक्ष्मी सभागार में जिले के प्रभारी प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक की, साथ ही बिजली विभाग को लगाई फटकार। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार में मारी जोरदार टक्कर, मौके पर हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंच गई और चालक को लिया हिरासत में। थाना में एक माह पूर्व एक रात में 5 दुकानों में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, जिसमें 2 अभियुक्तों को लगभग 2,00,000 के जेवर, मोटरसाइकिल और अवैध असलाह व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में अनुविभाग अंतर्गत बछौन चौकी बीते रोज कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि पत्नी ही निकली पति की कातिल। छतरपुर नगर पालिका के विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। इस मामले को लेकर सीएमओ ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अपने कार्य शुरू कर दें, वरना की जाएगी वैधानिक कार्यवाही। बदायूं में वजीरगंज थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन अभियुक्त के पास से चोरी की 5 बाइकें, 2 तमंचे व कारतूस किए गए हैं बरामद। बदायूं में रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा, साथ ही 16,000 रुपए लगाया है आर्थिक दंड। वहीं दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी आरोपी को।